Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Hello friends, so welcome back in another video. So today I will discuss about circulatory system of cockroach. In this particular video, we discuss about each and everything related to circulatory system of cockroach, which type of circulatory system found in cockroach, each and everything. So first we read for written in NCERT textbook, after that elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's stop the wasting your time, stay tuned with me. So blood vascular system of cockroach, yani blood vascular system, yani vascular system yani blood ka वेसल्स में, यानी वास्कुलर सिस्टम में जाना, वेसल्स में जाना वास्कुलर सिस्टम बना देगा, तो क्या होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इन एन ओपन टाइप है ना, जो कॉकरोच का ब्लड वेसल सिस्टम होता है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। जो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो ओपन टाइप होगा विदाउट एक्सेप्शन, है ना। आर्थ्रोपोड्स में जितना होता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है विदाउट एक्सेप्शन। इसमें बिना एक्सेप्शन के आर्थ्रोपोड्स में यानी काकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप, इनमें ब्लड वेसल जो होंगी वो डेवलप नहीं होंगी, यानी पुअरली डेवलप होंगी, डेवलप भी होंगी तो बहुत पुअर तरीके से डेवलप होंगी। एंड ओपन इनटू स्पेस, एक ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप होती हैं और जो कि एक स्पेस पे जाके ओपन होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, है ना। विसरल ऑर्गन, हीमोसील एक तरह की कैविटी होती है, हीमोसील जो होता है कैविटी होती है ब्लड जिसमें इकट्ठा होता है, ठीक है, कैविटी होती है, यानी हीमो का मतलब होता है ब्लड से, और सील का मतलब होता है गुहा यानी कैविटी, ठीक है। तो समझ गया, मतलब हीमोसील यानी इसमें ब्लड इकट्ठा होगा। विसरल ऑर्गन जो होते हैं, विसरल ऑर्गन क्या क्या होते हैं, विसरल ऑर्गन वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड विसरल ऑर्गन, यानी विसरल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बाथ इन ब्लड, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो हीमोसिल में लोकेटेड होते हैं, और जो भी विसरल ऑर्गन होंगे वो हीमोलिम्फ में पाथ होंगे, मतलब हीमोलिम्फ में वो तैरेंगे यानी उसी में डूबे हुए होंगे। ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। कॉकरोच के केस में ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोवर्ड रिलेटेड ही होता है ब्लड से, ठीक है, ब्लड में पाया जाने वाला लिम्फ। द हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमियोसाइट्स, है ना। जो क्या होता है हीमोलिम्फ होता है वो क्या कंटेन कर, कंपोज किससे किससे मिलके बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। जैसे हमारे केस में, मैमल्स के केस में जो ब्लड होता है वो उसमें जो प्लाज्मा होगा वो स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, कलरलेस प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा में कोई कलर नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन होता है, द हीमोलिम्फ इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमियोसाइट्स, हीमियोसाइट्स का मतलब होता है ब्लड, हीमियोसाइट्स मतलब हुआ ब्लड फॉर्मिंग सेल, है ना, फॉर्मिंग सेल, साइट्स का मतलब होता है सेल से, ठीक है, इसे ब्लड बनाएंगे ये सेल, ठीक है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइनिंग
along the mid dorsal line of the thorax and abdomen. इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, जो कॉकरोच में जो हार्ट होता है ना, जो कॉकरोच में हार्ट होता है वो एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से बन के लाइक का होता है ना। मैं फिगर में आपको बताऊंगा किस टाइप का हार्ट होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक उसमें फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइनिंग जो होती है, लाइंग होती है, वो मिड डॉर्सल लाइन है ना। मिड डॉर्सल लाइन मैंने आपको बताया था, ये लाइन वेंट्रल होती है, ये डॉर्सल होती है। तो डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन यानी डॉर्सल लाइन के बीचों बीच में होगा, लाइन होगा थोरैक्स टू एब्डोमेन, है ना। थोरैक्स और एब्डोमेन में मिड डॉर्सल लाइन पे इलोंगेटेड ट्यूब लाइंग होती है, ठीक है, जो हार्ट होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं ये। इट डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चैम्बर, ये फनल शेप चैम्बर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इट डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, है ना, दोनों आइदर साइड, यानी ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं फनल शेप चैम्बर में, जो कि ऑस्टिया विद ऑस्टिया, ऑस्टिया जैसे हमने अर्थ में सॉरी स्पंजस के केस में बताया था, ऑस्टिया और ऑस्कुलम पाए जा रहे थे। ऑस्टिया से वाटर जा रहा था और ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा था। ऑस्टिया वर्क इन स्पंज एज ए माउथ एंड ऑस्कुलम वर्क एज ए स्पंज इन एनस, है ना। सो उसी तरह का ऑस्टिया है यहाँ पे, ठीक है। इट डिफ्रेंशिएट इन टू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, है ना, इसके दोनों तरफ ऑस्टिया पाए जाएंगे। ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, साइनस का मतलब होता है, यहाँ पे हम सिंपल वर्ड में जान सकते हैं कैविटी, ठीक है। साइनस का मतलब भी कैविटी होता है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, यानी स्पंज के केस में ऑस्टिया से क्या जा रहा था, वाटर जा रहा था बॉडी के अंदर, यानी ऑस्टिया टू स्पंजोसिल टू ऑस्कुलम, पर यहाँ पे क्या जा रहा है, ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनस से ब्लड होके हार्ट में इंटर करेगा थ्रू, हार्ट में इंटर किसके थ्रू करेगा, ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है, यानी ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में इंटर ब्लड इंटर करेगा, इसके थ्रू ब्लड इंटर होगा हार्ट में, है ना, ब्लड इंटर होगा। बट स्पंजेस के केस में क्या इंटर हुआ था, वाटर, ठीक है, ब्लड इंटर हो जाएगा, ब्लड इंटर होगा। एंड पंप एंटरली टू साइनस अगेन, और ये साइनस में फिर से भेज दिया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉकरोच में जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन होता है ना, और इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सिंगल सिंगल सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट है तो यहाँ ब्लड की मिक्सिंग होगी, ठीक है, क्या देखा जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होगी, इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड साइनसेस से हार्ट में इंटर करता है, और हार्ट में इंटर किसके थ्रू करता है, ऑस्टिया के थ्रू करता है, और वही ब्लड भी एंटरली साइनस में फिर से भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फिगर दिखा देते हैं हम आपको, आप इसका जो सर्कुलेशन सिस्टम का कॉकरोच में फिगर दिखाया गया है, वो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ना, एंटीरियर ऑर्टा पाया जाता है, फिर एलेरी मसल्स होती हैं, एलेरी मसल्स होती हैं, ये याद रखेंगे। एलेरी मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, कॉकरोच में पाई जाती हैं, कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और इसके लिए जो हार्ट हैं, ये जो हार्ट हैं ये ट्यूबुलर लाइक है ना, ट्यूब लाइक हैं, है ना, ये हार्ट जो है ट्यूब लाइक हैं। और उसके बाद क्या, हार्ट चैम्बर, ये इसमें हार्ट चैम्बर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, ये हार्ट चैम्बर जो है इसके ये ट्यूब लाइक हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ये एक छोटा सा टॉपिक दिया गया था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए। इफ़ यू आर लाइक माय सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी।